नमस्कार, पीएमसी हिंदी दर्शकों को सुस्वागत है महाभारत से सीख सीजन टू में। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स, आज हम सीखेंगे श्री कृष्ण परमात्मा से। श्री कृष्ण परमात्मा से हम क्या सीखे, सब कुछ सीखना है उनका जीवन से, क्या नहीं सीखे। श्री कृष्ण परमात्मा का जो जीवन है एक मल्टी डायमेंशनल है। वो पॉलिटिक्स में है, आत्मविज्ञानी है और म्यूजिक है, डांस है, रोमांस है, सभी तरह का कलाओं में वो प्रज्ञाशील है। हम भी उनका जैसा बनना है। हर एक आत्मा एक न एक जन्म में परम आत्मा बनना ही है। तो श्री कृष्ण परमात्मा से हर एक चीज हम सीखना है। लेकिन आज हम महाभारत से सीख में हैं, इसी की वजह से महाभारत से हमको श्री कृष्ण परमात्मा से क्या सीखना है आज हम जानेंगे। सबसे पहले मुझको इसके बारे में ज्ञान आया तो इसका कारण है हमारा परम गुरु ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और इस महाभारत का काव्य को हमको दिया है महर्षि वेदव्यास को भी प्रणाम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वो जो श्री कृष्ण परमात्मा है वो चाहते हैं कि उस युग का परिवर्तन हो जाए, युग परिवर्तन चाहते हैं। युग परिवर्तन के लिए क्या क्या चाहिए उनको, इसीलिए उन्होंने धर्म में कितना लोग हैं, अधर्म में कितना लोग हैं, वो सब कुछ उन्होंने फिल्ट्रेशन किया। आखिरी में उनको मिला है 5 लोग, वो लोग हैं पांडव। अभी इस पांडव लोगों के द्वारा युद्ध करवाना है, यही श्री कृष्ण का प्लानिंग है। तो प्लानिंग के हिसाब से वो आया है धरती में। उनका अवतार का लक्ष्य क्या है, धरती में धर्म स्थापना। धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध अनिवार्य है, ये डिवाइन प्लान है। हर एक युग में, हर एक युग का परिसमाप्त होती है, कोई तूफान आके, कोई प्लेग जैसा डिजीजेस आके, या पूरा समुंदर बह जाएंगे धरती में ताकि पूरा धरती वॉश आउट हो जाए। लेकिन उस समय में मास्टर्स ने प्लान किया है कि यह धरती में युद्ध आना है, क्योंकि समाज में परिवर्तन चाहिए। तब तक उस समाज में हिंसा है, उस समय बहुत सारा कास्टिज्म, कुल विवक्षता है, सबको नीचे देखना, अहंकार के साथ रहे हैं, अधर्म के साथ उस समय समाज थे। उस तरह का समाज में धर्म का स्थापना करना है, वो कैसे पॉसिबल है, इसीलिए श्री कृष्ण ने देखा क्या करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 5 पांडव लोगों को उन्होंने चुने हैं। तो पांडव लोगों में युधिष्ठिर तो राजा बन गया, एक सम्राट बन गया, वो बिजी हो गया। हमेशा श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको आप जाके साधना करो, आने वाला समय में युद्ध होगा, आप उसके लिए अपना आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है। सिर्फ बाहर की शक्तियों को जागृत करेंगे तो नहीं चलेगा, आंतरिक शक्ति जागृत करना है तो साधना करना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है, वो लोग जाके कहीं जगह पे जाके साधना करना पड़ेगा। लेकिन इधर देखा गया तो युधिष्ठिर तो युद्ध में है, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। युधिष्ठिर है, सम्राट बन गया, अपना राजा का काम में बिजी हो गया। अर्जुन तो उस जो राज्य है उसको विस्तार करने में बिजी हो गया। नकुल सहदेव देखेंगे तो वही हाथी को, घोड़े को, उनको अच्छी तरह संभालने के लिए देखभाल कर रहे थे। और भीम हो तो वो और अपना काम में बिजी है। सब लोग अपना अपना काम में बिजी है। फिर जब लोग सब लोग अपना काम में बिजी है तो युद्ध कैसे होगा,
ये लोग अपना अस्त्र शस्त्र को कैसे पा सकते हैं, कैसे अपना आंतरिक शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने प्लान किया है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, अभी ये लोग को अभी जंगल जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स याद रखिए, हमारे जीवन में भी जो लोग ध्यानी बन जाते हैं, ध्यान का रास्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस समय क्या होते हैं, हमारे जीवन सब कुछ अच्छा ही चल रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब क्या होते हैं हम, अभी क्या साधना करना है, क्या सज्जन संगति करना है, क्या स्वाध्याय करना है, ऐसा समझेंगे, क्या क्लासेस के लिए जाना है, ऐसा समझ के घर में बैठे रहेंगे, साधना के लिए आलसीपन रहेंगे। लेकिन जिस समय हमारे जीवन में कोई तकलीफ आएंगे, कोई बीमारी के रूप में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के रूप में, या फिनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में, किसी के तरफ का तकलीफ जब आएंगे, तब क्या होते हैं कि हम इस साधना की तरफ मुड़ जाते हैं, है कि नहीं? आपका जीवन में भी ऐसा हो गया होगा, इसी की वजह से आप लोग इस आध्यात्मिक रास्ता में हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये पांडव लोग आत्मा के स्तर में आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने ये शकुनी के द्वारा जो 64 का खेल है, पाशों का जो खेल है, उस रचना को रचाई है, ताकि ये जो पांडव लोग है जंगल में जाना है, वनवास करना है, उधर का अस्त्र शस्त्र को पाना है, अपना साधना करना है, यही प्लानिंग है। यह प्लानिंग शकुनी के नहीं है, शकुनी तो पर्दे के सामने दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इसका पूरा प्लानिंग है श्री कृष्ण का है। तो श्री कृष्ण का प्लानिंग की वजह से ही वो जो माया सभा में जो भी हुआ है और जो राज्य को बैठे हैं, ये सब कुछ श्री कृष्ण का प्लानिंग है। लेकिन उस प्लानिंग में क्या नहीं थे, द्रौपदी का वस्त्रापहरण, द्रौपदी का मानभंग, ये नहीं, ये प्लानिंग में नहीं था। ये बीच में ये दुर्योधन और ये दुशासन, ये लोगों ने प्लान किया था। फिर भी उस माया सभा में द्रौपदी ने अपना स्थित प्रज्ञता के साथ उस राज्य को जीत लिया था। जब उन्होंने उस माया सभा में गई है, वो देखी है कि अपना सभी पति सर झुका के बैठे हैं, उनको समझ में आ गया क्या सिचुएशन है, वो लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जो मदद करना चाहिए पति है वो लोग मदद करने की स्थिति में नहीं है, उनका जो मुकुट है वो सब कुछ नीचे रखा हुआ है, सब लोग अभी हंस रहे हैं इनको देख के, फिर उनको उस समय में कौन उसको बचाएगा। उस समय उनको पता चले गया कि अभी मेरा स्थिति, अभी कोई मुझको रक्षा करने वाला नहीं है, जो कोई भी हमको रक्षा नहीं करते हैं बाहर दुनिया में, उस समय हमको रक्षा करने वाला है हमारा अंतरात्मा। उस समय हम अंतरात्मा का शरण में जाना चाहिए। द्रौपदी ने उस समय क्या किया, आंखें बंद करके अपना अंतरात्मा के साथ जुड़ गई है, उनका अंतरात्मा ही श्री कृष्ण है। जैसे ही उनको अंतरात्मा के साथ जुड़ गया, तुरंत ही उनको एक आइडिया आ गया, उनको फ्लैश हो गया, अभी मुझको एक सवाल पूछना है। तुरंत ही उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज से सवाल पूछा है कि महाराज जी, आप एक चीज बताइए, मेरा जो पति है खुद हारने के बाद मुझको बाजी में रखे हैं, या वो जब राजा थे उस समय में बाजी में रखे थे? तब धृतराष्ट्र ने बताया कि वो खुद हारने के बाद आपको इसका पास का खेल में बाजी में रखे हैं। तुरंत ही द्रौपदी ने कहा है कि वो खुद हारे हैं तो मैं उनका पत्नी कैसे रह सकता हूँ, वो कैसे वो मुझको बाजी में रख सकते हैं, यही सवाल पूछा उन्होंने। तुरंत ही धृतराष्ट्र ने, वंडरफुल, क्या सवाल पूछा है, जो पाशों का गेम चल रही है, वो जो गेम है वो कैसे हो रहा है कि शकुनी ने ऐसा प्लान किया है कि धर्म के हिसाब से चल रही है, इसको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी द्रौपदी ने ऐसा सवाल पूछा है कि अभी कोई भी बाहर का राजा है, श्री कृष्ण है, कोई भी इंटरफेयर कर सकते हैं, अभी कोई भी आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
या अधर्म के साथ हुआ है। तुरंत ही धृतराष्ट्र ने रियलाइजेशन ओके, उनको 3 वर दिया था, उनका राज्य को वापस कर दिया था, उनको पति को रिहा कर दिया था। जो पहली बार जो कुरुसभा में जो राज्य को जीता है, द्रौपदी का स्थित प्रज्ञता है। श्री कृष्ण उस समय उस सिचुएशन को कैसे संभालना है वो अंदर का गाइडेंस दिया है। ये पॉइंट हमको नोट करना है। हमारा समाज में हम बच्चे को क्या सिखाना है? महाभारत किसके लिए जरूरत है? महाभारत जरूरत है जवान लड़के के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब कोई भी लड़का हमारे घर में महाभारत पढ़ना शुरू करेंगे, भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, क्या करते सब लोग? अभी तुम्हारी उम्र क्या हो गया, क्यों तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, तुम क्यों महाभारत पढ़ रहे हो, ऐसा सब लोग डांटते हैं। बुढ़ापे में महाभारत पढ़े, भगवत गीता पढ़ेंगे तो जीवन कैसे जीना कैसे पता चलेगा? पूरा जीवन होने के बाद महाभारत पढ़ेंगे तो भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या फायदा है? जब स्टूडेंट्स को पता चलेंगे महाभारत क्या है, उससे कैरेक्टर से क्या सीखना है, तब वो लोग जीवन को आसानी से वो सामना कर सकते हैं, वो लोग फेस कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियों को महाभारत सिखाया, द्रौपदी से सीखना चाहिए। एक दिन वो सासू माँ के घर में जाना पड़ेगा, ससुराल में जाना पड़ेगा, उधर ऐसा सिचुएशन आएंगे, कभी पति भी उनको मदद नहीं करने का स्थिति रहेगा और कोई भी मदद करने का स्थिति नहीं रहेगा, उस समय कैसे डील करना है, ये हम द्रौपदी से सीखना चाहिए। जब पूरा दुनिया खड़े होकर देख रहे हैं, उस समय उनको एक आइडिया फ्लैश होना नॉर्मल बात है क्या? क्योंकि वो पहले से ध्यान कर रही थी, इसी की वजह से उनको एक आइडिया फ्लैश हुआ। जब मन शून्य हो जाती है तभी हम आत्मा से गाइडेंस ले सकते हैं। तो द्रौपदी ने उस समय अपना अंतरात्मा श्री कृष्ण से वो गाइडेंस मांगा था, इसी की वजह से ऐसा सवाल पूछी है, उसके बाद वो राज्य को जीती है। ये पॉइंट सब लोगों को नोट करना मास्टर्स। हर जगह पे जाके हमको महाभारत को बताना पड़ेगा, स्कूल में, कॉलेजेस में। सिर्फ स्टोरी बताएंगे तो नहीं चलेगा, हमको बताना चाहिए उससे क्या सीखना चाहिए। हर एक कैरेक्टर से हमको सीखना पड़ेगा, ताकि ये सभी कैरेक्टर से हमारे जीवन में रिफ्लेक्शन से हमारे जीवन में कोई ना कोई कैरेक्टर है हमारे जीवन में आते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमको हमेशा ये महाभारत सबको बताना चाहिए बचपन से। मेरे बच्चे को मैं हमेशा रात को सोने के टाइम में मैं बच्चे को हमेशा महाभारत और रामायण को उनको बताया क्या सीखना चाहिए उनको। इसी की वजह से मेरे दोनों बच्चे हैं वो लोग आध्यात्मिक रास्ता में हैं। हमारा कर्म ही हमारा आशीर्वाद है मास्टर्स, कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। पांडव को उद्धार श्री कृष्ण नहीं किया, उद्धरेत आत्मानात्मानम् आत्मानम् असाधयेत्। ये श्लोक हमेशा याद रखिए, कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध नहीं किया, वो चाहते हैं तो अपना एक चक्र घुमा के युद्ध को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उनका होमवर्क नहीं है, यह होमवर्क है पांडव लोगों का है। सिर्फ वो एक साक्षी के रूप में, राधा सारथी के रूप में खड़े रहे हैं। ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखिए, वो साथ में रहे लेकिन उनका उद्धार नहीं किया, क्योंकि उस समय में धर्म को जीतना है, इसी की वजह से जहां जहां धर्म का जरूरत पड़ा उस समय मदद किया। हम भी यदि देखना है कि हम भी धर्म के साथ है कि नहीं है, हम धर्म के साथ नहीं रहते हुए हम श्री कृष्ण को पूजा करेंगे, भजन करेंगे तो श्री कृष्ण हमारा रक्षा नहीं करेगा। ये पॉइंट याद रखिए, हम सत्य में धर्म में रहना इंपॉर्टेंट है। हम चिकन मटन फिश खाते हुए श्री कृष्ण का मंदिर में जाके हे परमात्मा तुम ही मेरा रक्षा करो ऐसा भजन करेंगे तो श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे क्या? तुमको एक मुर्गी पर, एक बकरी पर, एक मछली पर करुणा नहीं है तो वो परमात्मा का करुणा तुम पर क्यों आती है? तो फ्रेंड्स, धर्म ही आपको रक्षा करती है। धर्मो रक्षति रक्षितः यही कहा गया है। धर्म माने क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म है, अहिंसा का साथ रहना ही परमो धर्म है। तो आपको रक्षा कौन करते हैं कि आपका धर्म ही है? श्री कृष्ण नहीं है,
आपको धर्म के साथ रहेंगे, ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण आपको मदद करेंगे। श्री कृष्ण नहीं तो और कोई परमात्मा, ये सृष्टि में बहुत सारा परमात्मा है, कोई ना कोई परमात्मा आपको मदद करेंगे हमेशा। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट है कि धर्म के साथ रहना। यह चीज मैं क्यों बता रहा हूं, पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद आप देखेंगे तो जितना भी यादव लोग हैं वो समझे हैं कि श्री कृष्ण हमारा है, वो श्री कृष्ण हमारे साथ में रहेंगे तो क्या है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दुनिया में हमको कोई भी नहीं कर सकते हैं, इस तरह अहंकार आ गया उनको, तरह तरह अधर्म का काम करने लगे वो लोग। श्री कृष्ण के जो बेटा है सांबू, वो एक दिन उनका अहंकार इतना चढ़ गया है कि मेरा पिताजी है ना श्री कृष्ण है ना, और कौन क्या कर सकते, ऐसा सोचा। उन्होंने क्या किया है कि उस गांव में एक ऋषि आया, उस ऋषि को मजाक उड़ाने के लिए ये लोगों ने क्या किया है कि एक मर्द है, उस मर्द को औरत के रूप में उन लोगों ने सजा के रखा, प्रेग्नेंट लेडी है ऐसा उनको सजा के उसके सामने लेके गया मर्द को, और उस ऋषि से पूछा कि स्वामी जी आप बताइए कि ये औरत को कौन बच्चा पैदा होने वाला है। तभी वो जो ऋषि है उनका दिव्य दृष्टि से देखा, ये लोग ने बहुत मजाक कर रहे हैं, इन लोगों का अहंकार चढ़ गया, तुरंत वो लोग उन्होंने शाप दिया है कि अभी ये औरत जिसका जो पैदा होंगे वो ना कोई लड़की है ना लड़का है, पूरा यदुवंश को, पूरा द्वारका को नाश करने वाली लोहे का मुसल बाहर आएगा बोला। देखा, हमारा कर्म ही शाप के रूप में आते हैं, ऐसा कोई शाप नहीं आते मास्टर्स, हम जो पाप कर्म करते हैं वो ही सामने वाला मुंह से शाप के रूप में बाहर आते हैं। श्री कृष्ण ने हमारा है समझते हुए वो लोग अधर्म के साथ रहे हैं, इसी की वजह से उनको शाप लगा, उसके बाद उनको डर लग गया, तुरंत जाकर राजा को बताया, राजा ने इन लोगों को देख के बताया है कि देखो तुम्हारा काम कैसे लेके आया है, तुरंत ही हम श्री कृष्ण को इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा श्री कृष्ण को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद वो राजा ने जो लोहे का मसल जो आई है उसको पूरी तरीके से रगड़ रगड़ के उसको पूरा पीसेस के रूप में बनाया, पूरा पाउडर के रूप में बनाया था, लास्ट में एक छोटा सा चीज रह गया था, छोटा सा एक आयरन का एक छोटा सा पीस रह गया था, वो सबको निकाल के समुद्र के अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ दिनों के बाद ये श्री कृष्ण का जितना भी रिश्तेदार है, ये सात्यकी है और ये सब लोग हैं, कृतवर्मा है और जितना भी यदुवंश का जो लोग हैं, वो सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को झगड़ा करने लगा। वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो लोग मदिरा पिया था और एक दूसरे को मार पड़ना शुरू हो गया। उस समय उनका हाथों में तलवार लेके आया, तलवार से एक दूसरे को कातिल करना शुरू किया। तब क्या हुआ था कि ये समुन्द्र में जो लोहे का जो मसल जो डाले हैं उधर से बहुत सारे जो पाउडर है वो बाहर आई है, उसके बाद वो पाउडर है एक घास के रूप में बन गई। ये लोगों ने आपस में फाइटिंग करते हुए जो भी घास आई है उसी घास को निकाल के एक दूसरे से फाइट करना शुरू हो गया। जो घास जो निकाला है वो भी एक लोहे का मसल जैसा बन गई है, एक दूसरे को मारना शुरू हो गया, सबका मौत हो गया। इस तरह पूरा यदुवंश का नाश हो गया, पूरा द्वारका का नाश हो गया था। आखिर में श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर को छोड़ना पड़ा, उस मसल का जो एक पीस जो रह गया वही है एक शिकार का पास मिल गया था। वो शिकार ने देखा कि श्री कृष्ण का जब सोया हुआ था उस समय उनका पैर का अंगूठी को देख के उन्होंने समझा था कि एक पक्षी है समझते हुए उन्होंने मार डालना पड़ा, और उसी के समय से श्री कृष्ण ने अपना शरीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण का प्लानिंग है उनको अवतार को समाप्त करना था। जब अवतार को समाप्त करना था तो उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि
गांधारी ने उनको शाप दिया था। गांधारी के शाप की वजह से श्री कृष्ण का मौत नहीं हुआ है, श्री कृष्ण चाहते हैं कि मेरा अवतार समाप्त तो होना है, इसी की वजह से गांधारी के मुंह से ऐसा शाप निकला था। क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ में है सब कुछ, है उनके प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चल रही है। जब श्री कृष्ण का शरीर छोड़े है तो जितना भी द्वारका में सभी औरत है उन लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण के पास अर्जुन के पास खबर पहुंचे। अर्जुन ने वो सभी औरतों को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चल रहा था, उनका रक्षा करते हुए। उस समय बहुत सारे चोर लोगों ने, बहुत सारे डाकू लोगों ने उस सभी औरतों को लेके जाने के लिए अटैक करते हैं, अर्जुन को उस समय फाइट करते हैं, लेकिन अर्जुन का अस्त्र काम नहीं करते। अर्जुन ने कितना सारे लोगों को मार डाला है, पूरा महाभारत में देखेंगे तो उनका जैसा वीर और सूर कोई भी नहीं थे, लेकिन जब श्री कृष्ण चले जाने के बाद उन्होंने डाकुओं के साथ भी फाइटिंग नहीं कर पाया, डाकुओं के हाथ में हार मानना पड़ा। ऐसा क्यों है कि वो डिवाइन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, श्री कृष्ण चला गया है। जब तक श्री कृष्ण है तब तक वो एनर्जी उधर काम कर रहे हैं अर्जुन पर, लेकिन अभी श्री कृष्ण नहीं है इसलिए उनका जो अस्त्र है काम नहीं कर पाए। तब अर्जुन को पता चला कि श्री कृष्ण का क्या वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, कितना कुछ समझना है श्री कृष्ण से। आज तो मैं सिर्फ महाभारत के एंगल से थोड़ा समझाया हूं, लेकिन हम भागवत से, भगवत गीता से देखेंगे तो श्री कृष्ण परमात्मा का जीवन में कितना कुछ हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने श्री कृष्ण को, उनका लीलाओं को देखा, उनका मिराकल्स को देखा, लेकिन उसके पीछे जो साइंस है उसको हम नहीं समझे हैं। लेकिन हम श्री कृष्ण से क्या सीखना है, मैं भी उनका जैसे कैसे बनना है, उस तरह का सोचना शुरू करेंगे, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। लेकिन एक दिन, एक जन्म में हम भी एक श्री कृष्ण परमात्मा जैसा बनना है। हर एक आत्मा एक दिन पूर्ण आत्मा बनना ही है, इस जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में। वाई नॉट इन दिस इनकारनेशन ओनली, हम इसी जन्म में हम डिसीजन लेंगे कि हम भी एक श्री कृष्ण परमात्मा जैसा बने। यही आज का हमारा सीख है महाभारत से। तो आज मैं इतना अच्छा एनालिसिस कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत भी मैं समझ पाया हूँ श्री कृष्ण जीवन से, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रह्मर्षि पिता महापात्री जी। तो ब्रह्मर्षि पिता महापात्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सबको धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। पीएमसी हिंदी चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।